एक दिन प्रधानमंत्री 8 बजे कहते हैं, पता नहीं फाइन ट्यूनिंग हो गई भगवान के साथ, डायरेक्ट मैसेज भगवान, सर सर ने बोला है, सर प्रधानमंत्री ने ये बोला है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, प्रधानमंत्री ने बोला है कि मेरा डायरेक्ट कनेक्शन है भगवान के साथ, मैंने नहीं बोला, मैंने नहीं बोला। सोशल मीडिया से बोल दो भगवान जगन्नाथ। एक मिनट, माननीय राहुल गांधी जी, एक मिनट, माननीय सुरेश, एक मिनट रविशंकर जी प्लीज, एक मिनट। माननीय सदस्यगण, आप वरिष्ठ नेता हैं, सदन के नेता होते माननीय प्रधानमंत्री जी, और हम सबको माननीय प्रधानमंत्री जी का सम्मान करना चाहिए। ये सदन में हमेशा उच्च कोटि की परंपरा मर्यादा रही है। नौ सर, गौरव, अगर आपको स्पीकर सर, मैं पुरानी पार्टी है, गौरव स्पीकर सर, मैं रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, ये प्रधानमंत्री के शब्द है, मेरे शब्द नहीं है, ये प्रधानमंत्री जी ने कहा है पब्लिक में, मीडिया को कहा है कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, मेरा डायरेक्ट कनेक्शन भगवान के साथ है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला है। तो पता नहीं उस टाइम 8 बजे भगवान का मैसेज आया होगा हिंदुस्तान के, हिंदुस्तान वही, मगर फिर श्री राम ने आपको दूसरा मैसेज दे दिया अयोध्या में, भगवान का मैसेज आया होगा मोदी जी नोटबंदी कर दीजिए, नोटबंदी कर दिया, डायरेक्ट ऊपर से आया मैसेज, ऑर्डर आया खटाक, और अलग अलग ऑर्डर आते हैं, अदानी जी वाला ऑर्डर आता है बंबई एयरपोर्ट, अदानी जी को ऊपर से ऑर्डर आता है खटाक खटाखट 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 ऑर्डर आते हैं। तो नोटबंदी कर दी, स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस जो हैं, जो हिंदुस्तान की रोजगार की रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है, उड़ा दिया, खत्म कर दिया। आज नतीजा यह है कि ये जो भी करना चाहे करें, हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता, जॉब क्रिएशन बैकबोन इज ब्रोकन, फिनिश, खत्म। नोटबंदी की गलत, जीएसटी लागू की, उड़ा दिया। अब मैं सोचता हूं, पहले मैं सोचता था ये पता नहीं कैसे हुआ, अब मैं समझता हूं कि ये अदानी जी अंबानी जी जैसे लोगों के लिए किया गया, ये रास्ता साफ करने का तरीका था, रास्ता साफ करने का तरीका था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उनके पीछे पड़ा रहता है, जीएसटी डिमोनेटाइजेशन 24 घंटा उनको तंग करते हैं, उनके कैश फ्लो को रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करते हैं, कैश फ्लो को क्रश करने की कोशिश करते हैं कि वो परे हट जाएं और अरबपति उनकी जगह ले लें। आप किसी भी छोटे व्यापारी से पूछ लो, किसी भी स्मॉल एंड बिजनेस, स्मॉल मीडियम बिजनेस ओनर से पूछ लो, ये आपको बता देगा। गुजरात में मैं गया, टेक्सटाइल ओनर्स के साथ मेरी बात हुई, मैंने उनसे पूछा नोटबंदी क्यों हुई, जीएसटी क्यों हुई, साफ बोला अरबपतियों की मदद करने के लिए जीएसटी और नोटबंदी की गई है। नरेंद्र मोदी जी अरबपतियों के लिए काम करते हैं, सीधी सी बात। मैं जाता रहता हूं और आपको गुजरात में हराएंगे इस बार, आप लिख के ले लो, आपको ऑपोजिशन इंडिया गठबंधन गुजरात में हराने जा रहा है। किसानों को डराने के लिए लैंड एक्विजिशन बिल जो हम लाए थे, उनकी जमीन की रक्षा करने के लिए, उनको सही कॉम्पनसेशन देने के लिए, उसको आपने खत्म कर दिया। यहां कोशिश की, कर नहीं पाए तो स्टेट्स में खत्म कर दिया,
हर स्टेट में आपने खत्म कर दिया है। अगर आप जानते नहीं हो चेक कर लो।